Hello everyone, myself Sapna Dinodia, lecturer of physics, Government Women Polytechnic College, Bikaner. आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विषय का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के प्रकार. मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में हम जानते हैं कि इसकी दोनों स्टेट्स में से एक स्टेट स्टेबल होती है और दूसरी स्टेट अनस्टेबल होती है. ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कलेक्टर कपल्ड और दूसरा एमिटर कपल्ड. कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसीलिए इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो एमिटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है उसकी बनावट क्या होती है और वो किस प्रकार से कार्य करता है. इस डायग्राम में इसकी बनावट को दिखाया है. इसमें दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 काम में लेते हैं. इसमें जो ट्रांजिस्टर Q2 है उसके कलेक्टर से जो है ट्रांजिस्टर Q1 के बेस को कोई भी कपलिंग नहीं की जाती है, केवल ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर से जो है कैपेसिटर C के थ्रू ट्रांजिस्टर Q2 के बेस को कपलिंग है. इसके हमें जो है वो दो बेनिफिट्स मिलते हैं एमिटर कपल मल्टी वाइब्रेटर में, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, कंपैरिजन टू एमिटर कपल मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के, कि चूंकि इसमें C2 पर किसी भी प्रकार की कपलिंग नहीं होती है इसलिए इसमें जो ट्रांजिस्टर Q2 का जो कलेक्टर पॉइंट है वो एक्सीलेंट आउटपुट पॉइंट बन जाता है. और दूसरी चीज ये है कि जो ट्रांजिस्टर Q1 है उसके बेस को मिलने वाली जो बेस वोल्टेज होती है VBE वोल्टेज, उस वोल्टेज में अगर टेम्परेचर के द्वारा किसी भी प्रकार का वेरिएशन होता है तो वो वेरिएशन इस जो कॉमन रजिस्टर यहाँ पर काम में लिया गया है RE, उस रेजिस्टेंस के प्रयोग के द्वारा जो है वो वेरिएशन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स हो जाता है. और चूंकि इसमें हम ने जो है जो कॉमन रजिस्टर RE हमने काम में लिया है दोनों ट्रांजिस्टर के कॉमन पॉइंट पर, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ट्रांजिस्टर Q1 को जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जो है प्रोवाइड करता है, और इसी ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण हम इसे एमिटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं. अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं. क्योंकि इसकी जो स्टेबल स्टेट होती है उसमें हम ये कंसीडर करते हैं, माना कि जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो कट ऑफ में है और जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो सैचुरेशन में है. चूंकि ट्रांजिस्टर Q2 के सैचुरेशन में रहने के कारण इस ट्रांजिस्टर Q2 में जो है वो करंट का फ्लो होता है, और करंट का फ्लो होने के कारण चूंकि कलेक्टर में करंट का फ्लो होता है तो एमिटर में भी करंट का फ्लो होता है, और जो रेजिस्टेंस RE है उसमें जो करंट होती है वो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो Q1 है वो कट ऑफ में रहता है. ये इसकी स्टेबल स्टेट होती है. इस स्टेबल स्टेट को अनस्टेबल स्टेट में चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो हम ट्रिगरिंग के द्वारा इतनी बेस पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्शन स्टार्ट कर दे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हमने इसके इनपुट में एक पोटेंशियोमीटर लगाया है और इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम इसकी इनपुट वोल्टेज को चेंज करके बढ़ाकर भी हम ट्रांजिस्टर Q1 को कंडक्शन में ला सकते हैं, और जिसके कारण जब एक बार ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्शन स्टार्ट कर देता है तो इसके कलेक्टर में करंट फ्लो होने लगती है, और कलेक्टर में करंट फ्लो होने के कारण जो इसका जो Q1 पॉइंट है जो इसका जो C1 पॉइंट है इस C1 पर वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होने लगती है, और इस C1 पॉइंट पर वोल्टेज के रिड्यूस होने के कारण जो आपका ट्रांजिस्टर Q2 है उसके बेस को भी वोल्टेज जो है कम मिलती है, अर्थात इसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है, जिसके कारण इसका कंडक्शन कम स्टार्ट हो जाता है. इसमें जो वोल्टेज करंट्स की वैल्यू है वो कम होने लगती है, यहाँ से कलेक्टर करंट भी कम हो जाती है और यहाँ से एमिटर करंट भी कम हो जाती है, और एमिटर करंट के का यहाँ पर कम होना ट्रांजिस्टर Q1 के लिए एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, जिसके कारण इसकी जो बेस वोल्टेज है वो और बढ़ जाती है. बेस वोल्टेज बढ़ने से यहाँ पर कलेक्टर करंट बढ़ती है और कलेक्टर वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है, इसके रिड्यूस होने से Q2 की बेस वोल्टेज और रिड्यूस हो जाती है. इस प्रकार से एक ये कम्युलेटिव प्रोसेस के कारण यहाँ पर जो Q1 है वो सैचुरेशन में आ जाता है और जो Q2 है वो कट ऑफ में चला जाता है. इस प्रोसेस को जो है वो पॉइंट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है, इन दो स्लाइड्स में दिखाया है कि लिखा है कि कम्युलेटिव एक्शन जो होता है ये अल्टीमेटली फोर्सेस ट्रांजिस्टर Q1 को सैचुरेशन में और Q2 को ऑफ में ले आता है, और ये इसकी एक अनस्टेबल स्टेट होती है.
इस अनस्टेबल स्टेट जो है वो बिना किसी ट्रिगरिंग के ऑटोमेटिकली स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होती है, किसकी सहायता से, जो यहाँ पर हमने कैपेसिटर काम में लिया है Q1 के कलेक्टर और जो Q2 के बेस के बीच में, उस कैपेसिटर के द्वारा ही जो है ऑटोमेटिकली जो ये मल्टी वाइब्रेटर है वो जो इसकी जो स्टेबल स्टेट्स होती है उससे अनस्टेबल स्टेट में आता है। वापस हम इस डायग्राम की तरफ जाते हैं और इसमें देखते हैं कि चूंकि जब ये सैचुरेशन में होता है तो ये जो कैपेसिटर सी होती है इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, ये रेजिस्टेंस RB और ट्रांजिस्टर Q1 के थ्रू जो है वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होते हुए जब इसकी इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होती है वो इतनी हो जाती है पॉजिटिव वोल्टेज जो कि मिनिमम Q2 ट्रांजिस्टर के लिए रिक्वायर्ड बेस वोल्टेज जो चाहिए होती है उसके एक पर अगर इससे चार्जिंग वोल्टेज हो जाती है तो Q2 का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और Q2 के कंडक्शन स्टार्ट होने के कारण जो है यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है वो वापस से बढ़ने लगती है और ये वोल्टेज रिड्यूस होती है। कलेक्टर करंट के बढ़ने के कारण यहाँ पर जो एमिटर वोल्टेज है वो भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और एमिटर वोल्टेज का बढ़ना इसके लिए जो है वो नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, जिसके कारण Q1 जो है वापस कंडक्शन कम करना स्टार्ट कर देता है, अर्थात Q1 जो है वो कट ऑफ में आने लगता है अल्टीमेटली, और जो Q2 है वो सैचुरेशन में चला जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो कैपेसिटर है CE की जो चार्जिंग है वो जो है जो स्टेबल स्टेट है उसको अनस्टेबल स्टेट में ले आती है, जिसे यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है। और फाइनली क्या होता है, जो अनस्टेबल स्टेट में मिली है वो अनस्टेबल स्टेट जो है कैपेसिटर के थ्रू वापस स्टेबल स्टेट में आ जाती है, और जो स्टेबल स्टेट है उसको वापस अनस्टेबल स्टेट में लाने के लिए दोबारा से ट्रिगरिंग की जरूरत होती है। इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने देखा है कि मोनो एमिटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। थैंक यू।